इसी बीच भोपाल से खबर आते हुए जहां नए सीएम मोहन यादव से मुलाकात करेंगे कमलनाथ, बधाई देने विंध्य कोटी पहुंचेंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ। तो आपको बता दें कि नए सीएम मोहन यादव से मुलाकात करेंगे कमलनाथ, बधाई देने विंध्य कोटी पहुंचेंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ। तो मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव से मुलाकात करेंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ। विंध्य कोठी जाएंगे पीसीसी कमलनाथ, जहां वो नए सीएम मोहन यादव से मुलाकात करेंगे, उनको सीएम बनने पर बधाई भी देंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव नए सीएम बनाए गए हैं, जिनसे मुलाकात करने आज पीसीसी कमलनाथ जाएंगे, विंध्य कोठी जाएंगे पीसीसी कमलनाथ, जहां वो सीएम नए सीएम मोहन यादव से मुलाकात करेंगे, उनको सीएम बनने पर बधाई भी देंगे। नए सीएम मोहन यादव से मुलाकात करेंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ, विंध्य कोटी जाएंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ, जहां वो नए सीएम मोहन यादव से मुलाकात करेंगे, उनको सीएम बनने पर बधाई भी देंगे। तो बता दें कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है। उज्जैन दक्षिण विधानसभा से विधायक हैं मोहन यादव, इसके साथ ही शिवराज सरकार में ये उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं, जिनको कल सीएम बनाया गया है। तो नए सीएम मोहन यादव से मुलाकात करेंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ, बधाई देने विंध्य कोठी पहुंचेंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ। तो नए सीएम मोहन यादव से मुलाकात करेंगे कमलनाथ, मध्य प्रदेश में अब मोहन राज है, बधाई देने विंध्य कोठी पहुंचेंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ। मध्य प्रदेश में अब मोहन राज है, मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है, जिनसे मुलाकात करने के लिए आज पीसीसी चीफ कमलनाथ विंध्य कोठी जाएंगे, जहां वो मोहन यादव से मुलाकात करेंगे, उसके बाद उन्हें सीएम बनने पर बधाइयां भी देंगे। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से हमारे संवाददाता प्रदीप तलरेजा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आपसे जानना चाहेंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ आज नए सीएम मोहन यादव से मुलाकात करने जाने वाले। देखिए, बिल्कुल, अब से कुछ देर बाद पूर्व मुख्यमंत्री यानी और मध्य प्रदेश के कांग्रेस के पीसीसी चीफ कमलनाथ जो हैं, वो विंध्य कोठी पहुंचेंगे, जहां पर वो कल जिस प्रकार से कल मुख्यमंत्री चुना गया था मोहन यादव को, उनको बधाई देने पहुंचेंगे। और देखिए, तमाम जो बातें हैं वो करते जरूर आएंगे, लेकिन प्रदेश की जनता को किस प्रकार से आगे उनको उनके हितों को लेकर किस प्रकार से काम करना है, या जो विपक्ष में है कि वो अपनी भूमिका को निभाएंगे, चाहे वो गरीब तबके की बात हो, किसानों की बात हो, युवाओं की बात हो, लेकिन सभी बातों को लेकर वो चर्चा भी करते नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमने देखा है कि इसके पहले जब प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, तब खुद बधाई देने कमलनाथ जो है वो शिवराज सिंह चौहान के निवास पर गए थे, वहां पर उनसे मुलाकात की थी और बधाई दी थी। और देखिए, इसी के क्रम में आज एक बार फिर से पीसीसी चीफ कमलनाथ जो है वो अब से कुछ देर बाद जो है वो मोहन यादव के निवास पर पहुंचेंगे, उनको बधाई देंगे, साथ साथ उनके उज्ज्वल भविष्य को लेकर भी कामना भी उन्होंने कल भी की थी। कल उनको ट्वीट भी इस मामले को लेकर आया था। देखिए, राजनीतिक द्वेष अपनी जगह की बात होती है, लेकिन अगर कोई शीर्ष पर बैठा हुआ नेता अगर दूसरे शीर्ष पर नेतृत्व को बधाई देता है, तो कहीं ना कहीं ये जनता के बीच में एक अच्छा मैसेज जाता है। और इसी चीज को लेकर देखिए तमाम जो कार्यक्रम जो है वो जरूर देखे जाएंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है आपने कि
जनता के बीच कहीं ना कहीं इस चीज का बहुत अच्छा संदेश जाएगा। इससे पहले भी कमलनाथ जो है प्रदीप, जैसा कि आपने बताया, इससे पहले भी कमलनाथ जब मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार वापस बनी थी, भाजपा की जीत हुई थी, तब भी उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान से वो मुलाकात करने पहुंचे थे, उनको बधाईयां दी थी। अब आज वापस वो मोहन यादव, नए सीएम मोहन यादव से मुलाकात करने वाले हैं, तो क्या वो अकेले पहुंचेंगे या उनके साथ कांग्रेस के कोई बड़ा नेता भी मौजूद रहेगा? देखिए, अभी तक तो पीसीसी चीफ कमलनाथ के ही आने की जो है वो सूचना जरूर दी गई है कि अब से कुछ देर बाद वो यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन देखिए, तमाम तैयारियां जो है वो लगभग पूरी कर ली गई, यहां पर पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहां पर मौजूद हैं और किसी प्रकार की सुरक्षा में कोई चूक ना हो उसको लेकर भी तमाम तैयारी के बैरिकेड्स लगाए गए हैं। बैरिकेड्स में किसी भी अनाधिकृत आदमी को यहां पर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, तो ये इस बात को स्पष्ट दिखाता है कि सीएम की सुरक्षा को लेकर भी कोई कमी न रह जाए। और साथ साथ जब खुद पूर्व मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे तो उसको लेकर भी तमाम प्रकार के जो तैयारियां हैं वो रखी गई, प्रोटोकॉल में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। साथ साथ देखिए, ये बड़ी चीज है कि जहां पर लगातार हमने देखा है कि जो कार्यकर्ता भी जो है यहां पर उनसे मिलने आ रहे हैं, उनको भी यहां पर मिलने के लिए जा रहा है। एक निश्चित व्यक्ति जो जहां पर हैं उन सभी तमाम लोगों से चर्चाएं कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि ये वो वही बिंदु कोठी है जिसे कहीं ना कहीं अब तक जो है सबसे ज्यादा अपशकुन माना जाता था इस बिंदु कोठी का, कि आज तक यहां से कोई मुख्यमंत्री नहीं गया है। लेकिन इसी कोठी से एक बार फिर मध्य प्रदेश में एक नया मुख्यमंत्री दिया है, तो देखिए वो एक अलग विषय जरूर है। लेकिन जिस प्रकार से आज यहां कमलनाथ आएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, देखिए जब विपक्ष में जब रहना है और विपक्ष की आवाज को बुलंद करना है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी चीज रहती है कि विपक्ष को की ताकत को लेकर भी साथ में चले। देखिए, पक्ष और विपक्ष लेकर दोनों ही जनता के मुद्दों को लेकर काम करते हैं और दोनों ही इस चीज को लेकर चलते हैं कि किस प्रकार से जो है तमाम जो बातें होती है। देखिए, चाहे किसानों की बात करें, चाहे हमने देखा कि कांग्रेस लगातार किसानों के मुद्दे को लेकर बात कर रही थी, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बात कर रही है और ऐसे कई तमाम विषय हैं जिसको लेकर लगातार जो है कांग्रेस प्रदेश सरकार पर हमलावर जरूर रही है। लेकिन देखिए, इन्हीं सभी विषयों को लेकर आज जब उनकी चर्चा होगी तब उनसे मुलाकात होगी। मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं इस बात को जरूर समझा जा सकता है कि जो तमाम प्रदेश के वो चीजें जहां से प्रदेश का विकास होता है और प्रदेश के किसी प्रकार के जो तमाम प्रकार की जो चीजें रहती हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो आज उस पर चर्चा जरूर होगी। देखिए, एक प्रदेश का वर्तमान का मुख्यमंत्री और पूर्व के मुख्यमंत्री दोनों जब बैठकर इस चीज को चर्चा करेंगे, बधाइयां तो देंगे ही देंगे, लेकिन साथ में जो प्रदेश में जो कमियां हैं, देखा हमने देखा जब कमलनाथ बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल सही है कि नए सीएम से पूर्व सीएम मिलने वाले हैं, विपक्ष में है वो, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे विषय को लेकर चर्चा तो होगी। अब अपनी नजरें बना के रखिए, क्या कुछ अपडेट निकल के आता है। पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका।